कंडीशनल परम्यूटेशन। यदि किसी क्रमचय में कुछ विशिष्ट वस्तुओं को कुछ नियत स्थानों पर रखने का प्रतिबंध हो या कुछ विशिष्ट वस्तुओं को कुछ नियत स्थानों पर रखने का प्रतिबंध हो या कुछ विशिष्ट वस्तुओं को क्रमचय में शामिल करना हो तो ऐसे परम्यूटेशन को कंडीशनल परम्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदयपुर शब्द के अक्षरों से कितने परम्यूटेशन बनेंगे यदि फर्स्ट कंडीशन, प्रत्येक परम्यूटेशन का फर्स्ट लेटर पी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, प्रत्येक परम्यूटेशन में पी यू आर एक साथ और इसी क्रम में होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, प्रत्येक परम्यूटेशन में पी यू आर साथ साथ आने चाहिए। अब अगर हम परम्यूटेशंस की संख्या कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो फर्स्ट कंडीशन की हम बात करें तो इसमें पी प्रथम स्थान पर स्थिर हो जाएगा, इसलिए अब हमें 6 लेटर्स ही व्यवस्थित करने होंगे। इसलिए क्रमचयों की संख्या 6P6 दैट विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल एंड दैट विल बी इक्वल टू 720। तो 720 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनमें पी प्रथम स्थान पर होगा। सेकेंड कंडीशन, पी यू आर एक साथ और इसी क्रम में आए तो हम पी यू आर को एक अक्षर ही मान लेते हैं, पी यू आर। अतः अक्षरों की संख्या घटकर अब 5 यू डी ए आई और पी यू आर हो जाएगी। अतः क्रमचयों की संख्या 5P5 दैट इज 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 120। 120 वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं जिनमें पी यू आर एक साथ और इसी क्रम में आए। थर्ड कंडीशन, पी यू आर साथ साथ आने के क्रमचय 3P3, हर बार ये तीन चीज़ें लेनी है तो 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6। पी यू आर एक अक्षर मानकर क्रमचयों की संख्या भाग 2 से 120 है। पी यू आर स्थान बदल बदल कर क्रमचय 6 हैं, अतः क्रमचयों की संख्या 6×120 दैट इज इक्वल टू 720। 720 परम्यूटेशन बन पाएंगे। उन वस्तुओं के क्रमचय जिनमें से कुछ सिमिलर हों, यानी सेट में सारी चीज़ें भिन्न भिन्न ना हो बल्कि कुछ वस्तुएं सिमिलर हों। यदि n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक प्रकार की, q वस्तुएं एक और प्रकार की तथा r वस्तुएं एक और प्रकार की हों और शेष वस्तुएं भिन्न भिन्न हों तो क्रमचयों की कुल संख्या x विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों को लेकर बनाए जाने वाले परम्यूटेशंस की संख्या, यहाँ अब मैथमेटिक्स में जो लेटर्स आए हुए हैं वो सारे ही भिन्न भिन्न प्रकार के नहीं हैं बल्कि कुल 11 अक्षरों में से m 2 बार, a 2 बार और t 2 बार आ रहा है। इसलिए क्रमचयों की संख्या x विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल यानी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, m 2 बार आ रहा है, डिवाइडेड बाई q फैक्टोरियल, q यहाँ पर 2 के बराबर है क्योंकि a भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, एंड r फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल क्योंकि t भी 2 बार आ रहा है, इसलिए 11 फैक्टोरियल को हम डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस कम्स आउट टू बी 498,9600। तो इसलिए इतने परम्यूटेशंस संभव हैं मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से।